हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। अगला सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो एक नया सवाल बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या लिखा है सवाल में। अब की बार बोल रहा है कि 12.5 ग्राम फ्यूमिंग H2SO4 है, यानी कि हमारे पास जो फ्यूमिंग H2SO4 है ओलियम, वो कितना है? 100 ग्राम नहीं है, कितना है? 12.5 ग्राम, ठीक है भाई। लेकिन बॉटल के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो 112% का लेबल लगा हुआ है। इज मिक्स्ड विद 100 लीटर ऑफ वॉटर, द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ ion इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ ion इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। बेहतरीन सवाल है, सॉल्व करना चाहिए आपको। तो चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखिए बॉटल के ऊपर लिखा है 112%, ठीक है? फिर से वैसे ही तोड़िए, 12 ग्राम क्या हो गया वॉटर, और 100 ग्राम क्या हो गया ओलियम। अब इस 100 ग्राम को तोड़िए, ये हो गया हमारा H2SO4 और साथ में हो गया SO3। लेकिन याद रहे अब की बार ये आपको 100 नहीं बल्कि 12.5 ग्राम दिया हुआ है। अब की बार ये आपको 100 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12.5 ग्राम दिया हुआ है। अपने से पूछा है कि 100 लीटर पानी मिला देंगे इसमें तो कितना H+ ion का कंसंट्रेशन रहेगा। 100 लीटर पानी हम मिलाएंगे बाद में, सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि H2SO4 इससे कितना बन रहा है, ठीक है? चलिए, तो SO3 प्लस वॉटर मिलकर बनेगा नया वाला H2SO, SO3 और वॉटर मिलकर बनेगा नया वाला H2SO4। अब इसमें देखिए वॉटर कितना है, 12/18 कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे, ये कितना बन गया, 6 2 जा 6 3 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 18, तो ये 2/3 आ गया। तो सोचिए यहां पर भी 2/3 मोल हो गए और यहां पर भी 2/3 मोल हो गए। आपसे पूछा H+ ion के लिए है तो आप उसी पे फोकस रखो, ठीक है? क्या करना है मुझे, मुझे टोटल मास H2SO4 का चाहिए और वो मुझे नया H2SO4 और पुराना H2SO4 दोनों से चाहिए, ठीक है भाई? तो वो भी पता कर लेते हैं। तो मास निकाल लेते हैं, तो यहां आ गया 2/3 × 80 और यहां आ जाएगा 2/3 × 98, ठीक है? लेकिन ये जो मास आपने निकाला है ये तो 100 ग्राम ओलियम में निकाला है, तो इसका मतलब 12.5 ग्राम में कितना होगा? तो देखिए 100 ग्राम ओलियम में ये हो गया 160/3 ग्राम SO3 है। 100 ग्राम के ओलियम में ये जो SO3 आ रहा है ये कितना आ रहा है, 160/3 ग्राम, तो ये बन गया 100 ग्राम में, ठीक है? चलिए अब आप ये समझिए कि अगर 100 ग्राम में 160/3 ग्राम आपका, 160/3 ग्राम आपका SO3 था, ये वाला SO3 था, तो ये वाला H2SO4 कितना होगा? ये वाला H2SO4 होगा ये वाला पुराना वाला, है ना? तो H2SO4 ओल्ड वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में अगर आपका नया SO3 आया 160/3, तो ये ओल्ड H2SO4 हो जाएगा 100 माइनस 160 बाई 3, तो ये कितना बना आपका, ये बन गया 300 माइनस 160, ये आ गया 140/3 ग्राम H2SO। लेकिन याद रखिए ये सब 100 ग्राम में आया है, 100 ग्राम में ये आया है 140/3 ग्राम ऑफ H2SO4, तो ये आ गया 140/3, ये बन गया आपका 140/3, ठीक है, 140/3 ग्राम, और ये आ गया आपका 160/3, तभी तो 100 बना, ठीक है? अब आप देखिए
अगर आपको यह बात समझ में आ जाए कि टोटल H2SO4 मेरा कितना है, 100 ग्राम के ओलियम से मेरा टोटल H2SO4, तो टोटल H2SO4 कितना है वो और निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि 12.5 ग्राम से हम एक ही बार ये सॉल्व करेंगे कि 12.5 ग्राम में कितना आ रहा है। टोटल H2SO4 आ रहा है पुराना H2SO4 प्लस नया H2SO4, पुराना H2SO4 प्लस नया H2SO4। पुराना वाला H2SO4 कितना है हमारा, पुराना वाला H2SO4 है मेरा 140/3, ठीक है। और नया वाला H2SO4 कितना है मेरा, नया वाला H2SO4 है 196/3। तो ये कितना बन गया मेरा, ये बन गया 6, 9 और 4 13 और ये बन गया 336, 336 क्लियर है ना, 336 ही बनेगा, 196 इन प्लस 140। चलिए अब इसको सॉल्व करता भी मैं देख रहा हूं, 112 ग्राम हो जाएगा। तो 100 ग्राम ओलियम में 112 ग्राम टोटल H2SO4 रहा। तो 12.5 ग्राम ओलियम में, 12.5 ग्राम ओलियम में कितना आएगा, 112 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100। 12.5 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी 25 4 जा और 12.5 8 जा, तो ये बन गया 112/8। ये इतना आया H2SO4 का मास, इतने ग्राम है H2SO4। तो इसका मतलब मोलैरिटी निकालना है मुझे, तो क्या करूं, तो मोलैरिटी अगर मुझे निकालना है तो वो मैं करूंगा 112 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और यहां पर डिवाइडेड बाय मोलर मास भी करना रहेगा मुझे, तो मोलर मास से डिवाइड करने के लिए मुझे 98 लाना पड़ेगा, 98 से डिवाइड कर दिया, ये तो आ गए मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा वॉल्यूम तो लीटर में ही बोला था ना, वॉल्यूम लीटर में कितना बोला था बेटा, वॉल्यूम लीटर में कितना बोला है, 100 लीटर पानी ऐड करते हैं, क्या बोला था क्वेश्चन में, 100 लीटर है ना, तो ये 100 लीटर मोल अपॉन वॉल्यूम, तो ये 100 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो ये आ गया हमारा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गई हमारी मोलैरिटी, ठीक है, ये मोलैरिटी हो गई। तो ये जो मोलैरिटी होगी ये कितना बन रहा है ये चेक करना है मुझे, तो ये मोलैरिटी ये डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 1/700। अब आप सोचिए कि जो H2SO4 की मोलैरिटी होगी वही सल्फेट की मोलैरिटी होगी और उसकी डबल H+ आयन की मोलैरिटी होगी, तो अगर ये 1/700 है तो ये कितना होगा, 2/700, और यही हमारा आंसर है 2/700। तो देखिए यहां पर हमने कैलकुलेट इजीली कर लिया, उतना ज्यादा डिफिकल्टी से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला था, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो आंसर कितना आ गया 2/700। और ये ऑप्शन में भी है, ये रहा पहला ऑप्शन। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वो ये है कि अगर मैंने H+ आयन का कंसेंट्रेशन निकाल लिया तो मैं यहां पर pH भी निकाल सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन लगाकर मैं यहां पर pH वैल्यू भी निकाल लूंगा, ओके?